Hello everyone, in today's video we will discuss covalent bond. But before going into the depth of today's topic, we have an interesting question answer session. Let's think and share. So, let's start. What is a chemical bond? Chemical bond kya hota hai? By definition, a chemical bond is defined as the force of attraction between atoms that holds them together in a substance.

डेटिव कोविलेंट और कोआर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। आर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज एन आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वी ऑल नो आइनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर होता है जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस किया था जिसमें सोडियम एज अ डोनर जबकि क्लोरीन एज एन एक एक्सेप्टर एक्ट करता है सोडियम अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आइन और सोडियम पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों आइन्स मिलकर आइनिक बॉन्ड बनाते हैं लेट्स कम टू वर्ड्स टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड अ दैट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड केमिकल की वो किस्म है जिसमें एटम्स अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दो एटम्स नजर आ रहे हैं एटम वन एंड एटम टू ये दोनों एटम अपने वैलेंस शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं नाउ द क्वेश्चन अराइजेज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी शेयर टू फॉर्म अ कोवलेंट बोंड हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है आया हमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है दो इलेक्ट्रॉन की या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की इस सवाल का जवाब हमें इसकी डेफिनेशन से मिल जाता है जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और ये दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कोवलेंट बॉन्ड को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है सिंगल कोविलेंट बॉन्ड डबल कोविलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड सिंगल कोविलेंट बॉन्ड दस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स वेन वन इलेक्ट्रॉन इज शर्यर्न बाई ईच ऑफ दम एंड वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म्ड आसान अल्फ में हम ये कह सकते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की वह कस्म है जिसमें दो एटम में से हर एटम एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है और एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एटम्स के दरमियान एक सिंगल लाइन से इंडिकेट किया जाता है इसकी एग्ज़ाम्पल्स में सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मौजूद है हाइड्रोजन एटम एज वी ऑल नो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ वन एंड इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इट्स बैलेंस शेल इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और अपने इस एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए ये दूसरे हाइड्रोजन आइटम के साथ सिंगल कॉबलेंट बॉन्ड बनाता है एज यू कैन सी इन द वीडियो दोनों हाइड्रोजन आइटम अपने बैलेंस का एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं और वैलेंसी कम्प्लीट करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल कोविलेंट बॉन्ड की दूसरी एग्जाम्पल में क्लोरीन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है एस वी ऑल नो इट्स एटॉमिक नंबर इज सेवेंटीन एंड इट हैज़ सेवन इन इट्स वैलेंस शेल। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इसको मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन एक एक की ज़रूरत है क्लोरीन एटम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत को मुकम्मल करने के लिए दूसरे क्लोरीन एटम के साथ अपने एक एक वैलेंस शेल की म्यूचुअल शेयरिंग करता है और क्लोरीन मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में तीसरी एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे एच सी एल से रिप्रजेंट किया जाता है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की आखिरी एग्जाम्पल मिथेन मॉलिक्यूल की है मिथेन मॉलिक्यूल जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें कार्बन एटम एज वी ऑल नो इट्स अटोमिक नंबर इज सिक्स एंड इट हैज़ फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कार्बन को मजीद चार इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने इस चार इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए कार्बन चार हाइड्रोजन एटम से सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बनाता है और मिथेन मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड बाय डेफिनेशन व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम्स एंड टू बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं डबल कोविलेंट बॉन्ड कोविलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और दो बॉन्ड पेयर्स वजूद में आते हैं जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है डबल कोविलेंट बॉन्ड को एटम्स के दरमियान डबल लाइन से इंडिकेट किया जाता है इसकी एग्जाम्पल्स में सबसे कॉमन एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है ऑक्सीजन एटम वी ऑल नो इट्स अटोमिक नंबर इज एट एंड इट हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इलेक्ट्रॉन शेल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ऑक्सीजन को मज़ीद दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने इन दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है डबल कोविलेंट बॉन्ड की दूसरी एग्जांपल में इथीन की एग्जांपल है इथीन जिसे सी टू एच फोर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें भी कार्बन आइटम जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कार्बन को मजीद चार इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम के साथ दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जबकि बाकी के इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने के लिए यह हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड By डेफिनेशन when थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर shared by ईच ऑफ द बॉन्डेड atoms एंड थ्री बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर formed, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल covalent bond. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं ट्रिपल covalent bond, कोवलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें हर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है और तीन पेयर वजूद में आते हैं जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है ट्रिपल कॉवनेंट बोन्ड को एटम्स के दरमियान थ्री लाइन से इंडिकेट किया जाता है इसकी एग्जाम्पल में सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन की मौजूद है नाइट्रोजन एटम, एज वी ऑल नो इट्स अटोमिक नंबर इज सेवन एंड इट हैज़ फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए नाइट्रोजन को मज़ीद तीन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने इन तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत को मुकम्मल करने के लिए नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है और ट्रिपल कॉविलेंट बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिपल कॉविलेंट बॉन्ड की दूसरी एग्जाम्पल इथाइन मॉलिक्यूल की है इथाइन जिसे सी से रिप्रजेंट किया जाता है इसमें भी कार्बन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए दूसरे कार्बन के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है और ट्रिपल कॉबलेंट बॉन्ड बनाता है जबकि बाकी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत को मुकम्मल करने के लिए यह हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल काविलेंट बॉन्ड बनाता है और इथाइन मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स स्टे कॉविल फॉर आर upcoming videos.